हेलो दोस्तों, कैसे हो और एंजॉय कर रहे हो? हम लोग जो कुछ 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 सीख रहे हैं, ये क्या है? आज मुझे बॉक्सिंग करना है। बॉक्सिंग? हाँ, ये बॉक्सिंग का ग्लव्स तो नहीं है, पर क्या है जरा पहन के देखती हूँ। बाइकर, बाइकर का है। हाँ, वो मेरे बच्चे हैं ना, बाइक चलाते हैं, बुलेट, तो ये बाइक का है। अच्छा, इसमें कुछ टेक्सचर दिख रहा है ना, देखो देखो, ये दो फिंगर में, ये क्या है टेक्सचर, कुछ पता है? तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ टेक्सचर का। टेक्सचर क्या है ये भी हम पेंसिल से ही समझेंगे और जानेंगे। तो टेक्सचर का हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर टेक्सचर नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा लाइफ में, है ना। टेक्सचर मीन्स कैसा होता है ना, देखो, अगर लाइन एकदम सीधी हो तो मजा आता है, नहीं ना? अगर लाइन थोड़ा अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ एक्साइटमेंट रहता है। लाइफ में भी देखो, केवल खुशी 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 हो तो मजा आएगा, नहीं ना? थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा एंगर, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कभी कभी आता है, तो उससे खुशी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। मतलब कुछ दुख आता है और उसके बाद कुछ सुख आता है, कुछ हंसी आती है, खुशी आती है, तो और हम इंजॉय करते हैं। तो ये है हमारे फीलिंग का टेक्सचर, मींस हमारा इमोशंस में भी टेक्सचर आता है, गुस्सा, हंसना। तो दोस्तों, आप डरो नहीं। आज ये देखो, ये देखो, ये देखा आपने ना, देखा तो बहुत अच्छा। तो चलिए, हमारे इस कला में, आर्ट में भी बहुत फन है, एक्साइटमेंट है। तो ये क्या है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, ये क्यों है इसमें वाइट वाइट? यस, बिल्कुल राइट। तो जब बाइक चलाते हैं ना, बाइक और सामने मोबाइल लगा रहता है, और रोक के फिर अगर वो देखना होता है तो ये निकालेगा कौन? तो वो स्क्रीन को टच करने के लिए है ये टेक्सचर वाइट। आप देखो तो उसको स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए मुझे भी आज ही मालूम पड़ा, और आपसे शेयर कर रही हूँ ये क्या है। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे टेक्सचर। अब इसमें देखो, इधर भी कुछ टेक्सचर है, आप देख रहे हैं, ये देखो, है ना टेक्सचर? यस, ऐसे ही इसमें भी टेक्सचर देखो, है ना। ये टॉवल में भी कितना अच्छा अच्छा टेक्सचर है, सॉफ्ट है। कुछ टेक्सचर बहुत हार्ड होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। तो ऐसे हम टेक्सचर को समझेंगे, जानेंगे, बोर तो नहीं हो रहा ना। और दोस्तों, आप ना मुझे ये जरूर बताना कि आपको क्या देखना है, क्या और समझना है, जानना है हमारे इस ब्यूटीफुल लाइफ में, हम अपने पैशन को कैसे इन्हांस करें और मैं कैसे इम्प्रूव करूं। मैं भी आप लोगों से सीखती ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। आप सभी लोग जो ऑब्जर्वर हैं, जो देख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरे यूट्यूबर हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हम तो जीवन भर सीखते ही हैं ना, ये तो कभी खत्म नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से टेक्सचर पे काम करते हैं, पेंसिल का टेक्सचर पे काम करते हैं, और फिर आते हैं। आप भी पेंसिल और पेपर लेके तैयार हो जाओ, आइए तो टेक्सचर स्टार्ट करते हैं। अब मैंने तो आपसे टेक्सचर बोला था, लेकिन यहाँ पर चाबी है, कुछ स्टील का बर्तन है, पैसे हैं, हाँ पैसा तो छापना है, और पेंसिल है, और ऐसे कुछ छन्नी है ना। तो आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, हम तो पैसा छापने आए थे। तो दोस्तों, हम लोग पैसा भी छापेंगे, चाबी भी छापेंगे, और टेक्सचर भी। तो चलिए, कुछ ऐसे टेक्सचर वाली चीज़ें जैसे कि पैसा, चाबी, छन्नी, है ना, ढक्कन, जिसमें थोड़ा टेक्सचर हो, जिसको आप टच करके फील कर सकते हो, वैसी चीज़ें अरेंज कर लीजिए, ताकि हम उसका पेंसिल से टेक्सचर निकाल के एक कॉम्पोजिशन तैयार करते हैं। तो आइए मेरे साथ एक एक करके टेक्सचर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्सचर प्रैक्टिस किया है, अब आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो आपको भी करना है जैसे इस तरीके से, नीचे मैंने वो टेक्सचर रखा और ऊपर से पेंसिल को ऐसा स्लीपिंग रख के धीरे 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 रब करना है, तो वो टेक्सचर इफेक्ट आ जाएगा। और ये जो जाली किया क्या, वो भी अलग अलग जो भी हमारे पास था, ये जाली था, वो जाली को ही मैंने, ये जो सब्जी छिलने वाली जाली के ऊपर मैंने पेपर रखा, और देखो आप, पेंसिल को मैंने ऐसा स्लीपिंग रख के धीरे धीरे घिसा। तो ऐसा हमको टेक्सचर का बहुत प्रैक्टिस करना है। और अब तो पैसा छापने का टाइम है,
तो पैसा भी छापना है ना, तो चलिए आप अलग अलग कॉइन रख लीजिए, यही पैसा हमें छापना है। तो इसमें भी धीरे धीरे आपको ऐसा, देखो पेंसिल को स्लिपिंग ले लेना आप, हाँ, और उसको आप जो भी उसमें टेक्सचर है, 5 रुपये का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, वो सब आ जाएगा। इससे भी आप बहुत सुंदर आर्ट बना सकते हो अगर आप ये पैसे का करोगे, और अलग अलग कॉइन आपके पास बहुत सारे हैं तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 पैसा, 2 पैसा, मीन्स कुछ यूनिक आर्ट बना सकते हैं आप, है ना। तो ये हम लोग अभी प्रैक्टिस किए इस तरीके से, आप भी कीजिए, और फिर उसके बाद इसका हम लोग कॉम्पोजिशन देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर चाबी का कर रही हूँ, है ना। चाबी को वैसे मैंने नीचे रख दिया और उसका टेक्सचर ले रही हूँ। तो आप जितना करोगे ना उतने इन्जॉय करोगे। आप बच्चों के साथ जब ये काम करो ना तो उनको थोड़ा आर्टिस्टिक वे में सिखाओ, जस्ट ऐसा वेस्ट करना नहीं। अब ये चाय छन्नी का जो जाली है उसका थोड़ा टेक्सचर ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को कि कौन कितना अच्छा आता है, क्योंकि वो जाली बहुत पतला है। अब ये जितना मोटा टेक्सचर होएगा उतना अच्छा आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फाइनल कॉम्पोजिशन के लिए तैयार हैं। ये आप जो पिक्चर भी देख रहे होंगे, ये कॉम्पोजिशन हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो था डब्बे का ढक्कन का टेक्सचर, ये मैंने थोड़ा सा इतना सा ले लिया, और वो भी बिल्कुल पेपर के बीच में, ताकि चारों तरफ मैं और भी डिज़ाइन का टेक्सचर ले सकूं। और ये पूरा आपके थॉट और आइडियाज़ पे है, ऐसा कोई चीज़ हम कॉपी नहीं करेंगे। आपकी आइडिया है कि आप कहाँ पर कॉइन का टेक्सचर ले रहे हो, चाबी का टेक्सचर ले रहे हो, और बड़ा जो टेक्सचर है वो कितना ले रहे हो, आप बिल्डिंग के जैसा बना रहे हो, कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना रहे हो, ये सब कुछ आपके ऊपर है, तभी वो आपका मास्टरपीस बनेगा। तो ये जो पेपर है इसके बीचों बीच से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि बहुत किनारे तक हम नहीं जाएं, चारों तरफ थोड़ा वाइट जगह हमको छोड़ना है, और हम हर एक चीज़ों का टेक्सचर लेते हुए कॉम्पोजिशन करेंगे। तो आप देखो, ये 2 पैसे को मैंने ऐसे साइड में रखा, और वहाँ पे नहीं जम रहा है तो मैं थोड़ा सा इस साइड रख के देख रही हूँ, या फिर इधर रख के दे रख रही हूँ। इस तरीके से आपको देखना है कहाँ पे अच्छा लगेगा। तो देखो दोस्तों, ये मैंने पूरा कॉम्पोजिशन तैयार कर लिया ऐसे घिसका घिसका के, और चाबी का मैंने लाल पेंसिल से तैयार किया है। तो अब आप इसको थोड़ा फिनिशिंग लाइन दे दे रही हूँ। तो ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ों का आप टेक्सचर लेके कॉम्पोजिशन बना सकते हो। यहाँ पे आप HP लिखा देख रहे होंगे, है ना। वो HP भी जो हमारे माउस में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लिखा रहता है, वहाँ से वो टेक्सचर ले सकते हैं। और कहीं पे फिनिशिंग देना हो तो आप एक्स्ट्रा फिनिशिंग भी आप ये दे सकते हो। तो ये हमारा मास्टरपीस टेक्सचर कॉम्पोजिशन तैयार है। ये मैंने थोड़ा सा बिल्डिंग टाइप का बनाया है, और उसके ऊपर मैं यहाँ पर एक बर्ड बना रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ पैसे का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के साथ भी आप कुछ कॉम्पोजिशन बना सकते हो। आपका कोई अफर्मेशन है, कोई गोल है, तो उसके लिए आप पैसे का ऐसा टेक्सचर बना के उसको डिस्प्ले में रख सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्रिएटिविटी में क्या लेते हो, मनी लेते हो, नेचर लेते हो, कुछ इन इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स लेते हो, उसको कॉम्पोजिशन कैसा देते हो। तो कुछ एक सैम्पल और मैं पिक्चर दिखा रही हूँ। ये हमने ये कंप्लीट किया, तो आप लोग भी जरूर से जल्द कीजिए और शेयर कीजिएगा कम्युनिटी में, नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप जरूर बताएंगे। और ये मैंने थोड़ा कॉम्पोजिशन जो कंप्लीट करके दिखाया, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सेम टू सेम कॉपी करें, इसलिए आप इसी तरीके का कुछ कॉम्पोजिशन करके आप भी बना सकते हैं। तो हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट कंटेम्प्ररी टेक्सचर आर्टवर्क तैयार हुआ। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, थीम दे सकते हैं, जैसे कि इसमें मैंने चाबी, थोड़ा पैसा, चिड़िया, तो इसको मैं नाम दे रही हूँ एक अबंडेंस, है ना, कि इसमें पैसे भी हैं, चाबी भी हैं, चिड़िया भी है, फ्रीडम भी है, HP जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का नाम होता है वो भी है। तो चाबी मैंने 2 यूज किया है, तो आप इसको फ्रीडम भी या फिर अबंडेंस भी, जैसा आप इसको कुछ नाम दो तो उसका कुछ मीनिंग होता है, आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाओगे। ऐसा 4-5 बनाओगे ना तो लोग बोलेंगे अरे वाह, ये आपका आइडिया कहाँ से आता है। तो ये तो खेलने वाली बात है कि आप कितना काम करते हो उतना आपको आइडिया आता जाएगा और आप बनाना चाहोगे। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग अभी, आप भी कुछ लर्न करके अर्न कर सकते हो। तो हमारा वीडियो एक्सप्रेशन मास्टरी प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुका है,
वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये इसका मैंने बॉर्डर भी आप कर सकते हो, बाद में फ्रेमिंग कर दोगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा, है ना। फ्रेमिंग करने के बाद एक सौ, और जो लोग कुछ वो हमारा ई बुक फाइन आर्ट का चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक्सचर देखा आपने, पेंसिल में कितना इजी है ना, इंजॉय करते हैं। याद है ये हम लोग बचपन में करते थे, पेंसिल को पेपर से अलग अलग टेक्सचर निकालते थे। तो चलिए आज आप इस टेक्सचर से कुछ अपना मास्टरपीस बनाइए। सिंपल, आपको पेपर चाहिए जेरोक्स का, पेंसिल चाहिए, पेंसिल डार्क ना, और बनाइए और जरूर दिखाइएगा। और अगर आप कम्युनिटी को नहीं ज्वाइन किए हैं तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरा अगला जो कुछ ऐसे ही एक्साइटमेंट, मजा, फन, मस्ती से भरा कुछ आर्ट टेक है वो आप एंजॉय करेंगे। तो ये हमारा कविता का आर्ट टेक ब्लॉग है। केवल सीरियसनेस नहीं चाहिए, कुछ फन, मस्ती, मजा सीखने में भी चाहिए ना। तो ऐसे ही मैं कुछ आप लोगों को मेरा स्टूडियो का भी कुछ विजिट कराऊंगी, वो भी आप देखेंगे और एंजॉय करेंगे। तो अपने लिए बोलिए, वाह क्या बात है।